गुरु शुक्राचार्य उचित कह रहे हैं, हमें इस संकट का कोई योग्य समाधान निकालना होगा। पर कैसे? यदि शिव और सती का विवाह किसी उद्देश्य से हुआ है तो हमें वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होने देना है। और इसका एक ही मार्ग है, हमें शिव को उनके उद्देश्य से भ्रमित करना होगा। आपके मन में कुछ चल रहा है देवी? हाँ? नहीं। संकोच मत कीजिए, पूछिए। महादेव, आपका हर कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है ना? फिर ये विवाह, इसके पीछे भी कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? आपके प्रेम को पाने का उद्देश्य है। आपकी शक्ति से लोक कल्याण का उद्देश्य है। चलिए।